अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का रिव्यू है गार्नियर स्किन एक्टिव फास्ट ब्राइट, एंड ये है विटामिन सी क्रीम। ठीक है, ये मैंने बाहर से लिया है, आपको ऐसी पैकेजिंग में जो है ये मिल जाएगी। यहाँ पे विटामिन सी क्रीम विथ यूवी फिल्टर, इंस्टेंट ग्लो, इवन स्पॉटलेस स्किन फ्रॉम 1 वीक, 3 टाइम विटामिन सी एंड लेमन, डर्मेटोलॉजिस्टली टेस्टेड। तो इसकी बात करें तो ये जो है बहुत कुछ क्लेम कर रहे हैं, एंड इनकी जो है 1 वीक में आपको जो है स्पॉटलेस स्किन मिलेगी। इसको मैंने 1 वीक से ज़्यादा यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, मतलब 15-20 दिन मैंने इसको यूज़ किया। ये मुझे मिला था, आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पाकिस्तान में 200-300 तक मिल जाएगी, लेकिन बाहर से मुझे ये मिला 25 रियाल का। ठीक है, जो अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं यहाँ पे। और मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया, जैसे ये जो क्लेम करते हैं स्पॉटलेस स्किन फ्रॉम 1 वीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने भी ट्राई किया और मैंने कुछ और फ्रेंड्स को भी ट्राई करवाया ये चीज़ सेम। उन्होंने यूज़ कर, जैसे उन्होंने अप्लाई किया, उनकी स्किन जो है जलने लग गई, लिटरली दे फील्ड टिंगली, और उनको इरिटेशन हो रही थी, रेड हो रहा था उनकी स्किन। तो काफ़ी जो है मेरी फ्रेंड्स को ये चीज़ सूट नहीं किया, और किसी को मतलब सूट कर रहा था और कोई फ़ायदा नहीं, मतलब जो है इतनी डार्क स्पॉट्स को ख़त्म नहीं कर रहा था। जैसे मेरी स्किन मेरी डार्क स्पॉट को ख़त्म नहीं किया, आपको इंस्टेंट वाइटनेस देती है, जो जैसे फेयर एंड लवली है ना वैसे बिल्कुल, और आपकी स्किन एकदम ड्राई ड्राई फील करती है, आपको अच्छा नहीं लगेगा अप्लाई करके, स्किन हेल्दी नहीं लगेगी, ऐसी ड्राई हो जाएगी और एक वाइट कास्ट जैसे होता है ना, कभी कभी हम यूज़ करते हैं हम सनब्लॉक्स और वो वाइट कास्ट छोड़ती हैं, बिल्कुल ये वैसे ही वाइट कास्ट छोड़ती है। तो ये चीज़ इसके बारे में मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरी चीज़ ये आप स्किन को इरिटेट करती है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, फेस जलने लगता है, तो आई डिडंट लाइक इट। और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, ड्राई स्किन है, तो नेवर ट्राई दिस, आपकी स्किन ने बहुत जो है इरिटेट हो जाना है और बहुत ही ख़राब हो जाना है, तो इसको कभी यूज़ ना करना इस स्किन पे। बाकी कॉम्बिनेशन है और नॉर्मल है तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। वाइट कास्ट आप अगर आपको स्किन पे पसंद है तो कभी ये यूज़ ना करना। ड्राइनेस कुछ क्रीम होती है ना जैसे फेयर एंड लवली, जैसे आपने अप्लाई किया तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है एकदम, तो ये वैसे फील कराता है। बाकी मैं इसकी अगर फ्रेगरेंस की बात करूँ तो वो भी मतलब थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है बट है ऐसे ही। ठीक है, मैंने ये थोड़ी यहाँ पे अप्लाई की, आपको जो है दिखा देती हूँ कि कैसे फील होता है। हैवी हैवी फील होता है, बिल्कुल लाइट वेटेड नहीं है, और अब्सॉर्व भी आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम अब्सॉर्व नहीं होता स्किन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरे में पता नहीं चलेगा लेकिन इस पर एक वाइट कास्ट है और इस पर वो नहीं है। ठीक है, एक वाइट कास्ट दे देता है और आपकी स्किन ड्राई फील करती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर आप अंडर आई ना एरिया को अगर लगाते हैं और या वहाँ पे ज़्यादा लग जाती है तो वहाँ पे जलन स्टार्ट हो जाती है, तो मैं ये रिकमेंड आपको बिल्कुल नहीं करूँगी। कोई भी स्किन टाइप हो भले, ट्राई नहीं करना, वेस्ट ऑफ मनी है और अच्छी चीज़ नहीं है। स्किन को जो है इरिटेट करने के चांसेस ज़्यादा है, नॉट रिकमेंडेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।